सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस एक और नई वीडियो में। तो मैं लेके आया हूँ पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस ट्रैक्टर सीरीज, जो किसान भाइयों असली डीजल मास्टर ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं हम। तो आज इसका रिव्यू करेंगे, सन 2024 का लेटेस्ट न्यू मॉडल। तो बात करेंगे ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में, क्या क्या बदलाव किए हैं कंपनी ने। और किसान भाइयों का डिज़ाइन की बात की जाए तो काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन देखने के लिए हमें मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर। और सामने की तरफ यूरो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है और फॉक लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं, जो बहुत ही स्टाइलिश ट्रैक्टर को देखने के लिए आगे की साइड से बनाते हैं। काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए हमें मिल जाता है। नीचे की तरफ ब्लैक कलर की ग्रिल के साथ में एस्कॉर्ट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है सिल्वर कलर की ग्रिल में। और सामने की तरफ बम्पर पे पावर ट्रैक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी फिटरेड बम्पर देखने के लिए मिल जाता है हमारे किसान भाई को। यहाँ पे बात करें तो काफ़ी मजबूत बम्पर देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड में बात करें तो यहाँ पे पावर ट्रैक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अगर फ्रंट एक्सल की बात की जाए तो नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाता है। और अगर रियल टायर की बात की जाए तो गुडियर कंपनी का 650/16 का फ्रंट टायर देखने के लिए मिल जाता है किसान भाइयों। और अगर यहाँ पे बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। डीजल सेवर प्लस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो जिसको हम असली डीजल मास्टर ट्रैक्टर बोल सकते हैं। एस्कॉर्ट की ब्रांडिंग के साथ में साइलेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो ट्रैक्टर के लिए बहुत ही अच्छा साउंड बना के देता है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है हमारे किसान भाई को। जो किसान भाइयों ये ट्रैक्टर टॉप मॉडल में आता है। बात करें तो सामने की तरफ अल्टीनेटर देखने के लिए मिल जाता है और हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का दोनों का पंप देखने के लिए मिल जाएगा सामने की साइड। और यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर और सेल्फ स्टार्टिंग मोटर देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे काफ़ी हाइड्रोलिक फिल्टर, काफ़ी बड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करें ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो किसान भाइयों ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। चौकोर टाइप का इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो सामने की साइड से ट्रैक्टर को और भी स्टाइलिश देखने के लिए बनाता है। ऊपर चढ़ने के लिए कंपनी फिटरेड नॉब देखने के लिए मिल जाएगी मडगार्ड में फिटरेड। और अगर वैक टायर साइज की बात की जाए तो गुडियर कंपनी का आपको यहाँ पे 13/6/28 का वैक टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है। बात करें प्लेटफॉर्म की तो काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी चौड़ा प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, जो किसान भाइयों साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे बात करें क्लच की, सिंगल और डुबल क्लच का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के बात की जाए तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट के साथ में आता है एडजस्टिंग, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के बात की जाए तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के कुछ कार वाली ही फीलिंग्स देखने के लिए हमें ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो पावर स्टीयरिंग का काफ़ी छोटा स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, और एस्कॉर्ट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है स्टीयरिंग के अंदर। और कंपनी फिटरेड मोड़ने के लिए नॉब भी देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारे किसान भाई को खेती करने के समय पर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। डिजिटल डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारे किसान भाई को तरह तरह की इसमें से जानकारी उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे हमारा ट्रैक्टर कितने घंटे चल चुका है, कितना हमारा ट्रैक्टर टेम्परेचर पकड़ चुका है और कितना हमारे ट्रैक्टर के अंदर डीजल बचा हुआ है, तो तरह तरह की जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। हैंड रेस देखने के लिए मिल जाएगा काफ़ी स्टाइलिश, और साइड इंडिकेटर और पार्किंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है हमारे किसान भाई को। यहाँ पर बात करें तो हॉर्न और हेडलाइट और 12 वोल्ट की चार्जिंग के साथ में ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरी साइड से बात की जाए तो चाबी की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं हम अपने ट्रैक्टर को, और इस रेड कलर के गेट से बंद कर सकते हैं, और फॉक लैंप की का भी इसमें स्विच देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे आपको सीट देखने के लिए मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर। अगर गियर की बात की जाए तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ में ट्रैक्टर आता है किसान भाइयों, जो साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। यहाँ पर बात करें तो लो हाई गियर लीवर देखने के लिए मिल जाएगा दूसरी साइड में, और यहाँ पे पीटीओ गियर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे सीट एडजस्टिंग लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक का लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी जगह पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। PCDC ड्राफ्ट कंट्रोलर लीवर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमारे किसान भाई की खेती करने के समय पर काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरी वाल्व का सामने लीवर देखने के लिए मिल जाता है,
और अगर ट्रैक्टर के नीचे साइड से बात की जाए तो यहाँ पे आपको पीछे सी साइड से बात करें तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की साइड से चौकोर टाइप का ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और किसान भाइयों अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पे पहले काफ़ी स्टाइलिश इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर के अंदर ले सकते हैं, जो ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। सामने की तरफ रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। पानी बोतल रखने के लिए ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने। हमारे किसान भाई अगर एम्प्लीमेंट वगैरह में लाइट ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से ले जा सकते हैं। 3 पॉइंटिंग सेंसिंग के साथ भी ट्रैक्टर आता है, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करके चला सकते हैं। डुअल ऑक्सिलरी बल्ब का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, जो हमारे किसान भाई को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे एडजस्टिंग हुक देखने के लिए मिल जाएगा, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। P2HP की बात की जाए ट्रैक्टर के अंदर तो 37.4 HP की PTU पावर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें ट्रैक्टर के अंदर 1600 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो भारी से भारी एम्प्लीमेंट को उठाने में काफ़ी मदद करती है हमारे किसान भाई की। और यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए पीछे की साइड से ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे तेज़ रोशनी वाली बैक लाइट देखने के लिए मिल जाती है हैलोजन टाइप की, जो रात के समय पर खेती करने के समय पर हमारे किसान भाई की काफ़ी मदद करती है। चौको टाइप का ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी अच्छा पीछे की साइड से व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी लिंकें भी काफ़ी मजबूत देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे Euro 42 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर इंजन की बात की जाए ट्रैक्टर की तो 3 सिलेंडर 45 HP की कैटेगरी वाला पावरफुल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो अगर इसकी इंजन CC पावर की बात की जाए 2490 CC का पावरफुल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो अपनी मैक्सिमम पावर को जनरेट 2200 RPM पे करता है। सामने की तरफ डीजल वाटर सेपरेटर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे अगर इंजन की बात की जाए वाटर कूल्ड इंजन के साथ में आता है, जो हमारे किसान भाई 24 घंटे भी अपनी खेती में यूज कर सकते हैं ट्रैक्टर के लिए। सामने की तरफ डीजल फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे वाटर सेपरेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारे किसान भाई की काफ़ी मदद करता है वाटर सेपरेटर। और यहाँ पे डीजल फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी जगह पे प्रोवाइड कंपनी ने किया है। सामने की तरफ लोहे का टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जो कंपनी ने काफ़ी अच्छी जगह पे प्रोवाइड करके दिया है। यहाँ पे Euro 42 Plus की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और सामने की तरफ पावर ट्रैक डीजल सेवर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो असली डीजल मास्टर ट्रैक्टर के लिए हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो चौको टाइप का ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और 45 HP की कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे बात करें तो पूरे 45 HP की श्रेणी में ट्रैक्टर देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाता है, जो ये किसान भाई टॉप मॉडल ट्रैक्टर हम इसको कहते हैं। यहाँ पे बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश व्यू देखने के लिए ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। तो किसान भाइयों आज के लिए था पावर ट्रैक ट्रैक्टर के बारे में इतना ही। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात की जाए 7,10,000 से 7,30,000 तक मिल जाएगा, जो स्टेट बाई स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये किसान भाइयों जो मैंने प्राइस बताया है, ये मैंने आपको टॉप मॉडल ट्रैक्टर के प्राइस बताया है। तो किसान भाइयों आज के लिए था पावर ट्रैक के बारे में इतना ही। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।